अशोकनगर के मुगावली के प्रसिद्ध करीला माता मंदिर पर लगने वाले 3 दिवसीय मेले की तैयारियों का जायजा लेने कमिश्नर एमपी ओझा और आईजी राजाबाबू सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा और एसपी रघुवंत सिंह भदौरिया समेत तहसील स्तर के अधिकारियों की बैठक ली और मेले की तैयारियों से लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक इस मेले में लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस क्षेत्र की आस्था का केंद्र करीला माता मेला जो इस वर्ष 13 और 14 मार्च को होने जा रहा है, उसमें सुरक्षा को लेकर बड़े इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं। करीब 20 से 25 लाख लोगों का फ्लोटिंग पॉपुलेशन आने की संभावना है, तो विदिशा तरफ से खास करके जो जो भी फीडर रोड्स हैं उनमें ट्रैफिक इंतजाम करना है, उसमें क्राउड को कंटेन करना है, ड्रॉप गेट लगाने हैं, ने करीब 36 सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, बहुत सारे एलोबोरेट सुरक्षा इंतजाम इस पूरे मेले में किए जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि करीला मेला इस क्षेत्र का या कहें पूरे मध्य प्रदेश का या पूरे देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण मेला है और यहाँ पे रंगपंचमी के दिन 30 से 35 लाख लोग आते हैं। इस बार मेले की व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब द्वारा देखिए आपने जो देख रहे हैं शेड बने हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है और विशेष करके जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो तो ट्रैफिक की व्यवस्था है, उनको इस प्रकार से ट्रैफिक में उनकी गाड़ियां खड़ी हों या इस प्रकार से दर्शन करें कि उनको अगर जाना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो आने जाने में।